हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट आई एम रांची एमबीए एचआर स्टैटिक्स ऑफ आरटीआई डेटा ऑफ 2021 टू 23 बैच। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। उनको एमबीए से रिलेटेड और जितने भी आईएएम है उनका कट ऑफ आरटीआई डेटा सब आपको ओनली मेरे ही चैनल पर मिलेगा, तो आप मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और ये जो मैंने डिटेल लिया है द रोनित गायकवाड़ द करियर कंसल्टेंट वेबसाइट से लिया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट हु फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आई एम रांची एच आर जनरल था 1078, EWS 101, OBC 340, SC 275, ST 46, PWD 10। कैटरिक वाइज कंपोजिट स्कोर कट ऑफ फॉर द फाइनल ऑफर ऑफ एडमिशन जनरल के लिए 74.19, EWS 66.17, OBC 68.66, ST SC 57.14, ST 41.4, PWD 26.9। कैटरिक वाइज मिनिमम कैट परसेंटाइल 92.5 टू 86.05, OBC 93.44, SC 67.07, ST 73.25, PWD 40.03। And now we watch that how to calculate the CS score and how आई एम रांची सेलेक्ट द स्टूडेंट। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो यहाँ पे इनिशियल शॉर्टलिस्टेड फॉर PI राउंड, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग को 0 मार्क्स मिलता है और अदर स्ट्रीम को 15 मार्क्स मिलता है। उसके बाद वर्क एक्स का यदि हम स्कोर देखें तो यहाँ पे यदि आपको 12 मंथ का है तो 0 तक मिलेगा, यदि 13 से 18 मंथ है तो 9 मार्क्स मिलेगा, 19 से 24 है तो 12, 25 से 30, 15 और ज़्यादा है तो फिर आपके लिए दिक्कत की बात है, आपका कम मार्क्स मिलेगा। और PI प्रोसेस हुई थी वो वर्चुअल हुई थी लास्ट ईयर और इस साल भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसमें पूरा जो कैट का स्कोर रहेगा उसमें 40% भी कैट स्कोर के दिया गया है, PI स्कोर को 30%, प्रोफाइल को 30% एंड टोटल यहाँ पे रहेगा 100%। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपका जो PI का स्कोर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कैट स्कोर तो सारे को लगभग इक्वल वेटेज दिया गया है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कैट परसेंटाइल की तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40% वेटेज, 30% वेटेज और एकेडमिक को यहाँ से एकेडमिक को 15, वर्क एक्सपीरियंस को 10 और यहाँ पर डाइवर्सिटी को 5, तो इस तरह से 13 ने डिवाइड किया हुआ है प्रोफाइल को। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि अगर आपका 10th में 90 एबव है तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे, 12th में एबव है 90 तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे और ग्रेजुएशन में है तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज आप देख सकते हो कि आपका ये 10th में और 12th में और ग्रेजुएशन में इस तरह से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, लाइक 85-90% है तो 4-4-5 देंगे, 80-85 है 3-3-4 देंगे, 2-2-3 देंगे 75-80% में, 70-75% में 1-1-2 देंगे एंड 65-70% में 0-0-1 देंगे एंड लेस देन 65% है तो आपको 0-0 मार्क्स दिया जाएगा जब आपका पूरा ओवरऑल कैलकुलेट हुआ। और फिर वर्क एक्स को आपका दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू 10 की टेबल से, 0, 6, 8 और 10 अकॉर्डिंग टू अप टू 12 मंथ है, 13-18 मंथ है, 19-24 मंथ है और 25-30 मंथ है। और जेंडर डाइवर्सिटी के यहाँ के आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू द फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट ओनली। तो यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं उनको 5 मार्क्स दिया जाएगा। और एकेडमिक ये जेंडर डाइवर्सिटी है, एकेडमिक डाइवर्सिटी है उसका भी आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, लाइक यदि आप नॉन इंजीनियर्स हैं तो आपको 5 मिला जाएगा, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और इंजीनियर है तो आपको सीधा 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो इंजीनियर्स और मेल हैं तो आपको सारे ही IIM में दिक्कत आने वाला है। तो यदि आप फीमेल हैं तो फीमेल्स के लिए भी यहाँ पे रखा गया है और नॉन इंजीनियर्स के लिए भी अलग से रिजर्वेशन रखा गया है रांची HR में।
सो थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।